चीफ मिनिस्टर केसीआर ने 15 मई को अपने काबिना के अहम वजरा जिसमें होम मिनिस्टर महमूद अली नदारत थे के अलावा इंतजामिया और पुलिस के आला अहदेदारों के साथ कोरोना वायरस और लॉकडाउन पर तफसीली मालूमात के बाद रियासत में एसी बेचने वाले दुकानात ऑटोमोबाइल शोरूम व रिस्पेयर पार्ट्स को खोलने की इजाज़त दी। उसके अलावा आरटीओ और स्टेशन दफातर भी काम करेंगे। उन्होंने कहा कि 17 मई के मरकजी हुकूमत की जानिब से भी जो रहनुमायाना खतूत जारी किए जाएंगे इसके पे नज़र रियासत की हिकमत अमली का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने मानसून सीज़न में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए इकदाम की हिदायत की। उन्होंने कहा कि रियासत में कोरोना वायरस अब सिर्फ 4 जोन एलबी नगर मलकपेट चार मीनार और कारवान तक ही महदूद हो गया है। केसा ने गरीब ज़रूरतमंदों के लिए किसी भी कोई इमदादी पैकेज का ऐलान नहीं किया और ना ही रमज़ान में गरीब मुस्लिम तबके के लिए कोई राहतकारी की बात की। इस मुकद्दस महीने रमज़ान में तमाम मुसलमानों ने लॉकडाउन का पूरा पालन किया। सिर्फ 5 नमाजियों के साथ नमाज और तरावी और ईद पर भी वह हज़ब हिदायत कायम ही रहेंगे। अहमद बल्लाला ने सही किया, दबीरपुरा में कोई कोरोना केसेस नहीं है। अब कम से कम केसीआर को चाहिए कि कोरोना मुतासिर मुकामात को छोड़कर तमाम कंटोनमेंट एरिया को बर्खास्त कर दें और गरीब ज़रूरतमंद लोग बहुत तकलीफ में है, सीज किए हुए तमाम गाड़ियों को रिलीज़ करने के अहकाम जारी करें क्योंकि गरीब तबका 2 महीने के तवील लॉकडाउन से बेरोज़गारी और फाकाकशी और किसी भी किस्म की ट्रांसपोर्टिंग की अदम मौजूदगी पर परेशान हाल है। गरीब कहीं जाए तो कैसा, बाहर निकले तो पुलिस की मार और घर में बेरोज़गार और फाकाकशी, फिर कंटोनमेंट की तवील मुद्दत भी मिडिल क्लास के लोगों को ज़रूरियात ज़िंदगी के सामान वो आमदरफ्त के लिए मजबूर है, वो भी इन पाबंदियों से आजीज आ चुके हैं। अगर कहीं कोरोना मुतासरीन हो तो कम से कम एरिया को कंटोनमेंट किया जाए, पूरे इलाके को बंद करके सैकड़ों लोगों को परेशान कर दिया जा रहा है। सही हिकमत अमली पर